श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि तुला राशि वालों का 27 सितंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके धन संपत्ति के बारे में। दोस्तों, आज से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुक गया था, कहीं फंस गया था, तो आज के दिन अपने रुके हुए धन को आपको प्राप्त करना होगा, क्योंकि आज के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान धन संपत्ति के मामलों में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, आप में से जो भी लोग नौकरी करते हो, जॉब करते हो, तो आज के दिन आपके नौकरी में, आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस या आपके सीनियर के द्वारा आपको जो भी काम दिया जाए, जो भी टास्क दिया जाए, तो उस काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ आप पूरा करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके घर परिवार की बात करें तो घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा। दोस्तों, आज के दिन अगर अपने घर परिवार में आप कोई परिवर्तन, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो परिवर्तन करने से पहले अपने घर वालों से आपको बात करना होगा, क्योंकि आज के दिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज से पहले आप में से जो भी लोग दुश्मनों से परेशान थे, दुश्मनों के कारण आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो आज के दिन आपके जीवन से दुश्मनों का प्रभाव कम होगा, लेकिन समाप्त नहीं होने वाला है। तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों, उपाय बहुत ही ज्यादा सामान्य है। आज के दिन आप रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 3, यानी कि 3। आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है नारंगी और सुनहरा। तो यही था आपके आज के दिन का राशि फल। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के नीचे हर हर महादेव कमेंट कर दें। धन्यवाद।